हेलो गाइज, आज हम लोग ओढ़नी डैम जा रहे हैं गाइज। और ओढ़नी डैम बांका का एक पर्यटक स्थल है गाइज। हम लोग तीन आदमी है गाइज, यहाँ देख सकते हैं टिंका और मेरे साथ आयुष बाबा है गाइज। ओढ़नी डैम के बहुत नज़दीक आ चुके हैं गाइज, आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं गाइज। इधर से लाना, देख सकते हैं गाइज उधर पहाड़ पर्वत एवं प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण पर्यटक भी आए हुए हैं। यहाँ पर लगातार गाड़ी लगा हुआ है गाइज, देख सकते हैं हम लोग, पूरा ही खूबसूरत नज़ारा है गाइज। चलिए आगे जो जो दिखेगा आपको दिखाते जाएंगे गाइज। यहाँ देख लीजिए घूमने के, इधर डैम है, अरे डैम इधर है, बाद में देखेंगे, पहले रास्ता देख लीजिए गाइज। कितना मस्त रास्ता है गाइज, रंग बिरंगा झंडा लगा हुआ है अगल बगल, लेकिन पता नहीं इसका मतलब क्या होता है गाइज। यहाँ पर बस से भी पर्यटक घूमने के लिए दूर दूर से आते हैं गाइज, देख सकते हैं यहाँ पर। इधर पानी है गाइज। हेलो गाइज, तो हम लोग ओढ़नी डैम पहुंच चुके हैं गाइज, देख सकते हैं पीछे आपको अगर दिख रहा है तो पूरा विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पर पानी है गाइज। चलिए आपको दिखाएंगे बहुत सारा चीज यहाँ पर, जो जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे गाइज। यहाँ पर एक लकड़ी का बना घर है, चलिए इस पे चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस पे चढ़ करके जो दृश्य है यहाँ का कैसा दिखता है गाइज। और यहाँ से देखते हैं पूरा विस्तृत क्षेत्र, सीढ़ी बना हुआ है बांस का, टूट जाएगा तो भीतर। यहाँ से देखिए हम लोग चढ़ चुके हैं इसके ऊपर और चारों तरफ का दृश्य तो बहुत शानदार है, लेकिन शायद अभी भी यहाँ पर कुहासा है, इस कारण से बहुत अच्छा सब कुछ नहीं दिख पाएगा। वहाँ पर बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए तब जा रहे हैं नीचे जहाँ पर बोट सब होगा, तो बोटिंग सब करेंगे। पलटाओ ना, आओ ना, तो आ गया, तो उसको पलटाओ, उसको पलटाओ। तो देखिए आ चुके हैं जहाँ पर बोटिंग होता है, और यहाँ देखिए ये डैम में पानी भरा हुआ है, दूर दूर तक इसका कोई अंतिम छोर नहीं दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं एक बोट लगी हुई है और कई सारे बोट निकले हुए हैं भ्रमण पर, देख सकते हैं। और बीच में एक आइलैंड भी है, टापू। इधर देखिए पत्थर है, केवल पत्थर। इस पत्थर का यही आशय है कि इस तालाब में, इस सरोवर में भी जल स्तर कम है। जब जल की स्तर में इजाफा होता होगा तब उस पत्थर पर पानी रहता होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह है प्राकृतिक सौंदर्यता, मंदाकिनी वर्णन जैसा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ अच्छा ही है। यहाँ पर देखिए एक बोट भी आ रही है, तो अब इंतज़ार करते हैं कि हम लोगों को कब इस बोट पर चढ़ने को मिलेगा। तो देखिए आ चुके हैं पथरीला इलाका में, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और उधर पानी ही पानी है। चलिए तो इन पत्थरों का लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर घूम कर कैसा लगता है, और यहाँ पर कुछ बैठ करके फ़ोटोग्राफी भी करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर टिंका भाई इंस्टाग्राम पर लाइव है और बाबा आयुष यहाँ पर जाप करने आए हैं और जाप करेंगे, पंडित जी भी पूजा कराएंगे यहाँ पे, हवन कराएंगे, पंडित जी पूजा कराएंगे। हवन रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, बोटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, बोट आ रही है, बोट का इंतजार है, उसके बाद हम लोग बैठ के फुर। तो देखिए अभी नाव खुल चुकी है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be great.
game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you have. देखिए यहाँ पर कितना सुंदर माहौल है, चारों तरफ पानी ही पानी है और ये बोट स्टेशन है, ठीक है। फोटो खींच रहा है साहब हम बिना हमको लिए। तो पहले बताइए गन्ना पे घूमे आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ, क्योंकि अब नहीं बताएंगे। चलिए हम लोग घूम चुके हैं उड़नी डैम, बस यही था, एक बड़ा सा तालाब जैसा, इसमें नाव पे घूमना है और यही सब है। आ सकते हैं घूमने के लिए। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।